गधे जैसी जो सूरत लेके आ जाता है ना, गधे की तरह भौंकता है, साला चिल्लाता है, तो शकल तोड़ दूंगा मैं। जिस समय सीमा गुलाम हैदर पहली बार नेपाल में आई थी, तो सीमा से आप पूछिए उसके साथ कौन कौन थे। एपी सिंह भी वही था। अपने भैया से, अपने भैया जी से कहो ना कि मेरा बच्चा मिस करे हो यार, मेरे लिए केव का ले आइए, मेरे लिए ये बनवा लाइए, वो करवाइए। एपी सिंह सुन रहा हो तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि तू चुनाव आयोग जा, गृह मंत्रालय जा, कहीं जा, पहले तू जाके सब जगह निपट ले भाई। और जब हेमंत पाराशर आएगा ना, हेमंत पाराशर आएगा तो तुझे सर छुपाने की जगह मिलने नहीं दूंगा, तुझे जेल में सड़ा करके रहूंगा, ना तुझे जेल के अंदर मरने दूंगा ना जीने दूंगा जी। तू त्राही त्राही मचा जाएगा। तू अभी कर, अभी कर, जहां तक तेरी बस की है कर। चुनाव आयोग में जा, गृह मंत्रालय में जा, यहाँ जा, वहां जा, प्रयास कर ले अपना जोर करना। और देख तेरी पोल पट्टी तो बहुत जल्दी खुलने वाली है, पूरी जनता जानती है। जिस समय सीमा गुलाम हैदर पहली बार नेपाल में आई थी, तो सीमा से आप पूछिए उसके साथ कौन कौन थे। एपी सिंह भी वही था। जिस तरीके से एपी सिंह ने इसकी जो अभी 12 मार्च, पता ना 12 मार्च जो शादी की सालगिरह थी, एपी सिंह ने जो फेरे का प्रोग्राम करवाया है, फेरे जो होते हैं सिर्फ एक बार होते हैं। यस, जिस समय शादी होती है एक बार। यस, और तू हमारे साले झंडू, तू दोबारा वहाँ फेरे डलवा रहा है। वहाँ फेरे डलवा रहा है, चलो एनिवर्सरी मनाइए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पर तू वहाँ साले फेरे डलवा रहा है वहाँ, और हमारे खिलाफ कर रहा है कि मैं चुनाव आयोग में जाऊंगा, कि मैं गृह मंत्रालय में जाऊंगा, कि मैं वहाँ जाऊंगा। तू साले क्या करेगा, जा पहले तू सब जगह जाकर के निपट ले, उसके बाद हम जाएंगे जी। तू सब जगह जा, हम सिर्फ एक जगह जाएंगे। सचिन ने अपने साले साहब से पूछ लिया हो और साले साहब ने उनको बता दिया हो कि सचिन जीजा जी आप ये कर दो कि मैं पाकिस्तान को फाड़ दूंगा और ये कर दूंगा। वो साला साहब, वो साले साहब है ना सचिन के साले साहब, वो करवा रहे होंगे। इतना सचिन में इतनी बात, मतलब इतनी बात कहने की कुवत नहीं है। मेरे तो हल्के हैं, मेरे तो हल्के हैं, लेकिन सचिन के भुजादंड बहुत भारी हैं। आप भी देख रही होगी और सभी देख रहे हैं, मैं तो बहुत हल्का हूँ। लेकिन सचिन बहुत मजबूत हैं। सनी देवल हैं, सनी देवल ने ये पाकिस्तान उखाड़ेंगे, और इनके भुजादंड भी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान उखाड़ देंगे। जग जानता है, सबको पता है कि 250 किलो का है, 250 ग्राम का है। पर बहन जी मेरा तो 250 ग्राम का, मेरा तो बिल्कुल है ही नहीं। पर हाँ, यदि एपी सिंह मेरे सामने आएगा, एपी सिंह के लिए तो जो ये कानून के खिलाफ बात कर रहा है, इस एपी सिंह ने इसको अपनी बहन बना लिया है। एपी सिंह तुझको बता देना चाहता हूँ कि मेरा ये 250, मैं तो अपने ही कह रहा हूँ, 250 ग्राम का हाथ तेरे शकल के लिए, ये 250 ग्राम ही काफी है मेरा हाथ। से साले की इसकी शकल को तोड़ तोड़ कर 7.5 किलो की बना दूंगा सजा करके। मैं जो सीमा के खिलाफ बोले वो तो आतंकवादी, और जो सीमा के फेवर में बोले तो वो बहुत बढ़िया देशभक्त, देश रक्षक वो है। और ये चाहता है एपी सिंह, जो चाहता है ना वो सबके, उनको बेवजह डरा करके। तो इन बातों से डरना मत। यदि आपके खिलाफ कोई नोटिस भेजता है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, तो मैं भी छोटा सा वकील हूँ उसको जवाब देने के लिए। भरोसा रखिए, जवाब नहीं, जवाब नहीं, उसकी शकल को तोड़ने के लिए। गधे जैसी जो सूरत लेके आ जाता है ना, गधे की तरह भौंकता है, साला चिल्लाता है, तो शकल तोड़ दूंगा मैं। उस चीज से आप बिल्कुल मत घबराना। आपका नाम बाद में लिया उसने, मेरा नाम मोमिन मलिक। गुलाम हैदर तो मैं बता रहा हूँ कि आतंकवादी तो मुझे कहीं से लगता ना है।
मैंने उसको देखा ना भाला। हाँ। इनके मुकदमे में बहुत जल्दी चार्जशीट दाखिल होने वाली है। मोमिन जी ने जो उनको पहले नोटिस जारी किया था, नोटिस जारी करने के बाद में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो लाजमी है कि वो कोर्ट के अंदर सूट फाइल करेंगे। तो प्रोसीडिंग नेक्स्ट डेट पर आपको सारी पता पड़ जाएंगी जनाब। और मैं बता रहा हूँ आपको कि इस मुकदमे में तलबी इनकी होगी जरूर, भारतीय कानून के अनुसार इनको कोर्ट में तलब किया जाएगा। सीमा की ठुकाई की वीडियो तो आपने देख ली होगी, और सीमा की ठुकाई की वीडियो जो सीमा के भाई साहब एपी सिंह और सीमा जी दोनों ही उनको नकार रहे हैं कि हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम तो बहुत प्यार करते हैं, और उनके भैया जी भी आ गए कि नहीं सीमा के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। पर लेकिन मैं साफ कह देता हूं कि सीमा के साथ मारपीट, और यदि एपी सिंह उन बातों को झुठला रहा है तो मैं बता रहा हूं कि उसका कोई सीमा से कोई हो सकता है कि पुराने जमाने का कोई मतलब जन्म जन्मांतर का उसका कोई संबंध हो, भाई तो मैं नहीं मानता उसको। और दूसरी बात जो ये कह रही है कि जो आपने कहा, मैं नहीं कहना चाहता कि कुत्ते को खिलाना, एक वीडियो और देखी थी मैंने, बंदर को भी खिला रही है वो तरबूज, तरबूज नहीं खिला रही है वो तरबूज के छिलके खिला रही है बंदरों को। और जो सीमा ने उस वीडियोज में, उसकी वीडियो मैंने पूरी देखी थी, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। यदि भारत का कोई भी नागरिक जो सीमा के इन कृत्यों के विरुद्ध है अपनी कोर्ट के अंदर, अपने थाने के अंदर इसकी वीडियोस की क्लिप निकाल करके एप्लीकेशन देगा, तो इसके खिलाफ वहां धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मुकदमा पंजीकृत तुरंत हो जाएगा जनाब। देखिए सुनिए, मैं रबुपरा के लिए नहीं कह रहा, मैं पूरे देश के अंदर यदि किसी भी व्यक्ति ने इस वीडियो को देखा है तो उस देश के कोने में भी मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। साहिद जी मैं दर्जनों की तो नहीं कह रहा, पर कोई व्यक्ति एक भी कर देना उसमें इनके सारी चूल्हे हिल जाएंगी, इनकी चूल्हे हिल जाएंगी इनकी, एक व्यक्ति तो करे कोई। मैं कह देना चाहता हूं जो मुझको सुन रहे हैं, यार मेरे पास आ जाइए कोई भी। माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यदि गाइडलाइंस जारी होती है किसी मुकदमे के लिए, तभी सूट जल्दी निर्णय पर पहुंचेगा। और यदि उसमें कोई गाइडलाइन वगैरह नहीं है तो जो रोजमर्रा के मुकदमे होते हैं उसी के तहत ये मुकदमा चलेगा। यार कुत्ते को मैं कुत्ता ना कहूंगा तो उसको क्या वो कह दूंगा शेर? यदि कुत्ते को मैं कुत्ता ना कहूंगा तो उसको शेर कह दूंगा मैं? सीमा ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि मुझको मेरे पिता कहा था, पता ना दादा कहा था, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद मुझको पूरे गांव वालों ने मुझे गांव से भगा दिया था। मैं सीमा से पूछना चाहूंगा, आपका ऐसा क्या कृत्य था जो आपको गांव वालों ने गांव से बाहर कर दिया? किसी भी अच्छे व्यक्ति को गांव से बाहर कतई नहीं किया जाएगा। मैं मानता हूं कि सीमा का कोई गलत कृत्य होगा जो उसको गांव से बाहर कर दिया गया जनाब। यहां तो सीमा जी कह रही है कि एक स्टेट मतलब उसी वीडियो में कहा गया था कि पाकिस्तान में तो बेटियां बेची जाती हैं, हैदर के पास यदि मेरी बेटियां चली गई तो वो उनको बेच देगा। तो सीमा जी आपने एक शादी तो हैदर से पहले की थी, दूसरी शादी हैदर से की थी, और तीसरी शादी मैं नहीं मानता कि सचिन से की है, पर लेकिन आप अपनी अय्याशी के चलते हुए आपके जो अय्याश वाले जो काम हैं वो गुलाम हैदर चूंकि सऊदी में रह रहे थे, गुलाम हैदर सऊदी में रह रहे थे, आपके बच्चों का लालन पालन करने के लिए उन
के लिए पैसे कमाने के लिए सऊदी में रह रहे थे, पर चूंकि आपकी जो अय्यासी भरी जो आदतें हैं वो नहीं पूरा कर रहे थे, इसीलिए आप सचिन के साथ भारत में आई। तो आप ये कह रही हो कि पाकिस्तान में तो बलूचों में तो बेटियां बेची जाती हैं, तो आप तो अपनी अय्यासी के लिए या तीसरी शादी करने के लिए तत्पर हैं, जबकि आपकी पूर्व में दो शादियां हो चुकी थी। तो मैं बता रहा हूं कि सीमा के पास यदि ये चारों बच्चे सीमा के रहे तो उन बच्चों में भी सीमा जैसी ही आदतें पड़ जाएंगी। शाहिद जी उखाड़ेगा तो कोई तब क्या जब उसके कुछ उखाड़ने लायक होगा। एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो कहां भागता है, गांव की तरफ, गांव की तरफ भागता है। सीमा और सीमा के बच्चे चार्जशीट दाखिल होने के बाद में बहुत जल्दी वापस पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। और ये जो सीमा जी कर रही है ना कि एक आपने वीडियो देखी होगी कि मोदी जी की तस्वीर को लेकर के अपने हाथों में मोदी जी तस्वीर ले रखी है और मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद हैं और रहेंगे।